मैं आया था भाई अपने महिंद्रा के शोरूम। जैसे कि आपको पता है कि अभी इन्होंने चेंज कर दिया है Z6 के अंदर, कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में बताता हूँ चेंज क्या किए गए हैं। ये वायरलेस जो मेरा एप्पल कारप्ले हो गया है, ये मुझे तो ठीक लग रहा है। जैसे गाड़ी में बैठता हूँ मैं, ये ऑटो कनेक्ट हो जाता है। और आपको पता है कि कौन से ब्रांड का मैंने लगाया है, ये कार लिंकिट के नाम से है ये। और ये अमेजोन पे अगर इसको आप लेते हैं तो ये काफी महंगा पड़ता है, आपने देख ही लिया होगा अमेजोन पे ये 7500 के आसपास का पड़ता है। लेकिन जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दिया है ये डायरेक्ट कंपनी से है, डायरेक्ट कंपनी से आप लेंगे तो ये आपको लेस देन 5000 में पड़ता है इसमें। हाँ, ये ऑप्शन जैसे क्लिक करोगे आप और वो $69 के आसपास दिखाता है, और अगर आप इसमें कुलदीप कौशिक नाम का कोड डालते हो तो काफ़ी कम डॉलर्स डालने पड़ते हैं, मैंने चेक तो नहीं किया, तो अप्रॉक्सीमेटली लेस देन 5000 का पड़ता है, 18% डिस्काउंट ये ऑफर हो जाता है। तो लिंक डाल रखा है मैंने, डायरेक्ट कंपनी से मिल जाएगा आपको, अमेजोन से ये काफ़ी महंगा है। लेकिन जैसे मैंने लगा रखा है, मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो जो मेरा गाना चल रहा था वो मेरा बंद हो गया, लेकिन मेरा कनेक्टिविटी अभी उसके अंदर है। जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा फिर मैं इसमें कमांड वगैरह जो देना था, जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग चालू कर जिसमें अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये कनेक्टिविटी कमांड वगैरह नहीं लेता, वो सिंपल सी बात है। अभी फिलहाल ये रिकॉर्डिंग करने के अंदर व्यस्त है। तो ये लिंक मुझे अच्छा लगा है, ये कार लिंकिट, इसलिए मैंने आपको बोला है। बाकी आप अपना सर्वे वर्वे करने के बाद इसको ज़रूर दें, और काफ़ी सस्ता पड़ जाता है ये, लेस देन 5000 में मेरी गाड़ी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले जो है वो मेरा वायरलेस हो गया है। मैं सोचता था ये मेरे महंगे महंगे सौदे होते हैं, बस सस्ते में ही काम हो गया है और कनेक्ट मेरा ये हो रहा है। अभी चल रहे हैं फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि हमारी Z6 जो आती थी गाड़ी, Z4 के ऊपर Z6 थी, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब हम जा रहे हैं उन चेंजेस को पता करने के लिए, मैं जा रहा हूँ सीधा शोरूम पे और चेक करता हूँ कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं फ्रेंड, वो आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन ध्यान रखना, जो ज़रूरी चीज़ें जो चीज़ें मुझे पसंद आती है वो मैं अपने लिंक में डाल देता हूँ, चाहे वो डैश कैम क्यों ना हो, आप कोई से मंगा सकते हो, मैं सस्ता और टिकाऊ जुगाड़ करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अभी इन्होंने चेंज कर दिया है Z6 के अंदर, कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में बताता हूँ चेंज क्या किए गए हैं, क्योंकि काफ़ी हल्ला मच रहा था कि चेंजेस तो हैं पर इतने बड़े चेंज भी नहीं है। अभी गाड़ी में बैठते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या चेंज इस गाड़ी में हो गए हैं। गाड़ी को करता हूँ मैं, अभी मैंने गाड़ी ओपन कर दी है, अब आपको बताता हूँ कि वैसे तो मैं तो बैठ रहा हूँ Z4 के अंदर, गाड़ी में क्या चेंज किए गए। पहले गाड़ी चालू करता हूँ और देखता हूँ कि मेरी गाड़ी का जो मैंने अभी ये क्लेश लगा रखा है कार लिंक, देखते हैं कि मेरा ये डिंग डिंग पाई चालू हो गया। देखता हूँ ऑटो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, काफ़ी दिन हो गए यूज़ करते हुए भाई, हो जा, उम्मीद कर रहा हूँ कि हो जाएगा ये कार एप्पल कार कनेक्टेड। यस, ऑटो कनेक्ट मेरा हो गया है फ्रेंड। तो अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो मेरा Z4 है, ध्यान रखना क्या क्या चेंज किए गए हैं Z6 के अंदर। सबसे पहले ध्यान रखना, आपको मैं बता दूं खबर, ये लोग बहुत कह रहे हैं, ये जो आपकी स्क्रीन देख रहे हैं ये स्क्रीन उसमें वैसी की वैसी है, इसमें कोई चेंज नहीं है फ्रेंड, ध्यान रखना ये स्क्रीन आपकी ऐसी की ऐसे आएगी। ये जो सामने TFT देख रहे हो आप, एनालॉग बोल रहे हो डिजिटल बोल रहे हो, इसको इन्होंने मैनुअल कर दिया, TFT कर दिया, अब ये डिजिटल नहीं आएगी, मैं इसकी स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। एक तो ये मोटा मोटा फर्क हो गया, इसको उन्होंने 7 इंच का कर दिया, पहले वो 8 इंच का था, और ये जो आप देख रहे हो ये 8 इंच पहले भी था और अभी भी ऐसा कैसा है। Z4 में और Z6 में शायद ये इक्वल आता है। तो आप बोलो कौशिक जी ये तो चेंज कर दिया, और क्या चेंज कर दिया फ्रेंड, तो वो मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज किया इन्होंने। तो आप लोगों को इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि सामने जो लेफ्ट एंड पे आपका इन्फोटेन सिस्टम है वो स्क्रीन आपकी वैसी की वैसी है, सिर्फ सामने जो डिजिटल क्लस्टर था वो चेंज हो गया है, 7 इंच का कर दिया गया है। अब चेंज क्या कर दिया इन्होंने, चेंज कर दिया इसमें एडरनॉक्स जो आता था इसके अंदर Z6 में, वो गो वेंट गोन हो गया, वो हट गया है। इसके हटने के साथ साथ फर्क क्या पड़ा, इनका क्लेम है कि 70 ऐसे फीचर्स थे जो एडरनॉक्स के आते थे, वो आपको नहीं मिलेगा। अब मोटा मोटा क्या है, कोई कह रहा है भाई साहब इसमें तो ये वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो वो भी हट गया, नहीं वो आपको फीचर ऐप को मिलता रहेगा, क्योंकि वो एलेक्सा फीचर है, वो आपको मिलते रहेंगे, आप कमांड भी दे पाओगे, आप अपने जो भी आपको फोन रिसीव आप काट भी सकते हो, कमांड दे सकते हो कनेक्ट मी टू सो एंड सो, जैसे मैं आपको करके दिखाता रहता हूँ। तो मेरा तो वायर्ड था, Z6
डीजल में आती है, पेट्रोल में नहीं आती। उसके अंदर एक्स्ट्रा क्या क्या था, एलेक्सा था और साथ में ये हमारा एडरलॉक्स था। एडरलॉक्स के बहुत से फीचर लाइक कैसे, जैसे कि आप गाड़ी को कार के बाहर खड़े होकर गाड़ी को स्टार्ट कर लेते थे, वो फीचर आपको नहीं मिलेगा जो मेरी नॉलेज कहती है। इसके अंदर एक फीचर शीशे ऊपर नीचे कर लीजिए, कार का एसी ऑन कर लीजिए आप, वो आपको नहीं मिलेंगे। ऑटोमेटिक सिस्टम में ये मिलते थे। तो एडरलॉक्स के ये मोटा मोटा जो आप देख लेना, वो सारे के सारे 50-60 ये बोल रहे फीचर्स, वो आपको नहीं मिलेंगे। वैसे एग्जैक्ट फिगर 70 है, लेकिन सामने का जो एनालॉग है वो छोटा हो गया, लेकिन लेफ्ट हैंड का इन्फोटेन सिस्टम पूरा मिलता रहेगा आपको, एलेक्सा पूरा मिलेगा, ओपन द सनरूफ वगैरह जो वो होते हैं वो मिलते रहेंगे। तो ये मुझे लगा कि शायद मैं आपसे शेयर कर लूं। तो फ्रेंड मेरी इन्फॉर्मेशन तो यही है। अब आप बोलो कौशिक जी प्राइस तो बता दो, तो भाई मैं प्राइस बताता हूँ आपको। अरे कहाँ गया पर्चा, हाँ मैं आपको पर्चा बता देता हूँ पढ़कर कि क्या फ़र्क है। Z6 हमें 16,61,000 की एक्स शोरूम पड़ती है, 16,60,000 रुपये मोटा मोटा मान लो, 16.61 है वे तो एग्जैक्ट फिगर। ये हमारा एक्स शोरूम मिलता है ऑल ओवर इंडिया में, कहीं खरीदो। ये है मैनुअल ट्रांसमिशन। अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खरीदते हैं फ्रेंड, 18,29,000 है डिफरेंस। देखिए कितना डिफरेंस है, 1,70,000 का मोटा मोटा डिफरेंस आ जाता है। किसके अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर, मैनुअल से ऑटोमेटिक के अंदर। ये सिर्फ एक्स शोरूम पे है, आप ही ध्यान रखना। एक्स शोरूम बढ़ती है तो आप समझ लीजिए और भी इंश्योरेंस भी महंगा हो जाएगा, उसके रजिस्ट्रेशन चार्ज भी महंगे हो जाएंगे, हर चीज बढ़ जाती है। तो खाली आप एक्स शोरूम में मत जाना, एक्स शोरूम में ही 1,70,000 रुपीज़ है। और फुल्ली ऑटोमेटिक मिलता है आपको, टॉर्क कन्वर्टर मिलता है, ध्यान रखना ऑटोमेटिक ही है गाड़ी, टॉर्क कन्वर्टर भी इसको बोल देते हैं, कंफ्यूज मत होना। फुल्ली ऑटोमेटिक कार मिलती है आपको 1,70,000 एक्स शोरूम। तो आई थिंक व्लॉग मैंने आपको समझा दिया है क्या चेंजेस आए। बहुत लोग बोल रहे थे भाई कौशिक जी क्या चेंज है, क्या चेंज है, ये चेंज इसके अंदर हो गया है, कॉस्ट कटिंग कर लो, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं है। प्राइस अभी भैया एक्स शोरूम 16,60,000 रुपये मैनुअल का है और 18,29,000 रुपये ऑटोमेटिक का है, यानी कि आपको ये गाड़ी भाई 21,00,000 रुपये से के आसपास पड़ेगी, ऑटोमेटिक वाली 21,00,000 की पड़ेगी। और मेरे आपने 70 फीचर भी पूरे कर दिए भाई, अब महिंद्रा की गाड़ी बिक जाती है और स्कॉर्पियो वन ऐसी गाड़ी है कि लोग कहते हैं 21,00,000 मिलती है ना ऑटोमेटिक गाड़ी, चल दे 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 दे, और उसके ऊपर आपके 1-1.5 लाख रुपए ऊपर लगते हैं, ध्यान रखना 1,00,000 तो लगते लगते हैं Z6 में भी। सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरियंट मानता था मैं Z6 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का मैं, लेकिन अब ये रिमूव होने के बाद आप जरूर बताना मुझे क्या ये सही में, ये देख लो मेरा वायरलेस चल रहा है, मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, हालांकि इस वक्त वो ऑन नहीं है, लेकिन सामने जो स्क्रीन पे फोटो आ रही है वो एप्पल कारप्ले की ही आ रही है और मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो ये भी बहुत बढ़िया सिस्टम है, आप भी जरूर लगा लेना। लेकिन महिंद्रा ने Z6 से माल पानी तो निकाल लिया है और कोई बेनिफिट कस्टमर को पास आउट नहीं किया हुआ है, ऐसा बताया मारुति ने भी ब्रेजा में कर दिया था, स्मार्ट हाइब्रिड फीचर रिमूव कर लिया था। फ्रेंड्स जरूर बताना मुझे आप कि ये ठीक हुआ है या ये गलत है, पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी इतनी बढ़िया है, गाड़ी बिक जाती है। तो अब Z6 लेने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये फीचर हम लोगों को अब नहीं मिलेगा। और आप जरूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि मैंने ये जो वायरलेस कर लिया है 5,000 रुपये मेरे लगे हैं, क्या मैंने ठीक किया है या गलत किया है। ये सामने लगा हुआ है कार लिंक किट, वो नीचे है जो ग्रीन कलर का चल रहा है ना कार लिंक किट, ये और ये मेरा वायरलेस, और मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ अपने फ़ोन से फ्रेंड। तो फ्रेंड उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये अपडेट अच्छा लगा होगा, अपडेट अच्छा लगा तो शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद जय भारत।